हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जिससे कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। अब गॉस के नियम के आधारित कुछ अनुप्रयोग हैं, उनमें सबसे पहला अनुप्रयोग जो है आपका आता है अनंत रेखीय विस्तार आवेशित के कारण। अनंत रेखीय विस्तार आवेशित के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपको ज्ञात करना रहता है। और ये प्रश्न बोर्ड पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आइए चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्या होता है। अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मानते हैं। माना कोई एक ए बी तार है जो कि अनंत रूप से क्या है, जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। मानते हैं माना कोई ए और बी कोई तार है जिसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, अनंत है, ठीक। और जिसमें फैले हुए आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, तथा यहाँ से लेके यहाँ तक मानते हैं माना तार की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है, L है। तो मानते हैं क्या मानते हैं भैया, माना तार की लंबाई, माना तार की लंबाई क्या है भैया, L है। माना तार की लंबाई L है तथा पृष्ठ का, माना तार की लंबाई क्या है भैया, L है तथा तार पर आवेश की मात्रा, तार पर आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तार पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पिछले वाले क्लास में कि जब कोई आवेश एक समान रूप से किसी लंबाई पे फैले हुए होते हैं तो उसके कारण जो उत्पन्न रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो लिखेंगे तार का रेखीय आवेश घनत्व, तार का रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग मानते हैं तार के मध्य बिंदु या तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, जिस पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना तार से r मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु P है जिस पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, माना हम लोग क्या मान लेते हैं, माना तार से r मीटर की दूरी पर, तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है भैया, P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए अब हम लोग जो है क्या करते हैं भैया, थोड़ा सा ये देखिएगा, अब हम मानते हैं कि जो माना बिंदु P है उस पर एक छोटा सा खंड काट लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल काट लेते हैं। इस पूरे पृष्ठ का जो आपने काटा है, ये पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपने एक गौसियन पृष्ठ की क्या किए हैं, कल्पना किए हैं, वो तीन भाग या वो जो गौसियन पृष्ठ है वो 3 भागों में बटा है। एक भाग का नाम देते हैं S1, एक भाग का नाम देते हैं S2, एक भाग का नाम देते हैं S3। देखिएगा हमने क्या कहा कि S2 का एक छोटा सा भाग काट लिए तो कटे हुए भाग की दिशा किधर है, इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। हमने कहा अगर ये बेलन है, आप लोग इससे ऊपर से एक छोटा सा भाग काट लेंगे तो कटे हुए भाग की दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ये कटे हुए भाग तो S2 का छोटा सा भाग है तो क्या हो गया, DS2 हो गए। और अगली देखते हैं, एक छोटा सा खंड जो है हम लोग S3 वाले पृष्ठ को काटते हैं तो S3 वाले पृष्ठ
को एक छोटा सा खंड काट लेते हैं तो इस छोटे से कटे हुए खंड की दिशा क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो छोटे से कटे हुए खंड की दिशा क्या हो गई? ऊपर की तरफ, यानी DS3 हो गए। इसी प्रकार एक छोटा सा खंड काट लेते हैं S1 वाले पर, एक छोटा सा खंड काट लेते हैं S1 पर, और जिसकी दिशा क्या है? नीचे की तरफ होगी। तो ये हो गए DS1। अब ध्यान से समझिएगा कि जो तार होते हैं उनसे विद्युत बल रेखाएं इधर से ऐसे इस तरफ निकलती हैं। तो एक विद्युत बल रेखाएं, जो ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इस प्रकार से ऐसे कुछ करके, ये विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ निकलेंगी। तो ये विद्युत बल रेखा ई, तो हम देखेंगे DS2 पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखा है ई और DS2 के बीच का जो कोण है, ई और DS2 के बीच का जो कोण है वो यहाँ थीटा नहीं बन रहा, यानी अर्थात यहाँ पर जो कोण है वो शून्य हो गया है। परंतु जब एक विद्युत बल रेखा ई और DS3 के बीच जो कोण बन जाएगा वहाँ पर कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा ई और DS3 के बीच। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, DS1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाले जो DS1 के लिए होंगे ई और DS1 के बीच भी थीटा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तार से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार हैं। तो ये ई और DS1 के बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा, और यहाँ DS3 के बीच का जो कोण है वो क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ जो आपका DS2 पृष्ठ है उसके बीच का जो कोण है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे? DS1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले S1 से निकालने से पहले हमको DS1 से निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? DS1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, DS1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब बताइएगा जरा सा, जब पृष्ठ छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। तो मान लेते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? D∅1 बराबर E(DS1) क्या हो जाएगा? cos थीटा। और यहाँ थीटा क्या है? 90 अंश है। तो थीटा जब 90 है तो D∅ बराबर E(DS1) यहाँ cos 90 रखोगे और cos 90 अंश का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो D∅1 का मान क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि D∅1 बराबर क्या हो जाएगा? या तो एक मिनट के लिए जरा सा इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, क्या हो गया? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। या तो ऐसे लिखिएगा जरा सा, थीटा बराबर जब 90 हुए तो D∅1 बराबर क्या आ गया? D∅1 बराबर क्या आ गया? E(DS1) कितना हो गया? 0। तो D∅1 बराबर क्या हो गया? 0। अतः अगर हमको बात आई, जब D∅1 बराबर 0 हो गए, अगर हमको क्या कहा गया? S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना हुआ तो S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ∅1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ D∅1, और D∅1 का मान 0 है तो ∅1 का भी मान क्या आ जाएगा? 0। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। इसी तरह S1 पृष्ठ के जैसा S3 पृष्ठ है तो लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे, चूंकि S1 व S3 पृष्ठ एक समान है, अतः S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स ∅3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर क्या आ गया? 3 आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, केवल अब एक पृष्ठ बचा है, अब हम निकालेंगे किससे? DS2 पृष्ठ से। किससे निकालेंगे भैया? DS2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाले वैद्युत
फ्लक्स। तो डीएस टू पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स एक छोटा सा डी फाई टू बराबर ई इंटू डीएस टू इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और जहां थीटा बराबर क्या है आपका जीरो आंसर है। देखिएगा यहां थीटा क्या है जीरो है, तो डी फाई टू बराबर ई इंटू कितना आ जाएगा डीएस टू। अब अतः पूरे एस टू पृष्ठ से लिखेंगे, अतः एस टू पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई टू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई टू। तो इंटीग्रेशन डी फाई टू का मान रखते हैं तो E इंटू कितना आ जाएगा डी एस टू, साथ में E इंटू डी एस टू आ गए। ध्यान से समझिएगा यहाँ E का समाकलन नहीं होगा, E नियतांक होगा, तो E को हम लोग बाहर कर लेंगे। फाई टू बराबर E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू, और जो डी एस टू है वो क्या है भैया बेलन का वक्र पृष्ठ है। देखिएगा जो डी एस टू है वो पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 2πRL, 2πRL के बराबर। तो क्या लिखेंगे जरा सा समझिएगा भैया, अब क्या लिखेंगे तो फाई टू बराबर ई इंटू इसके स्थान पे क्या मिल जाएगा 2πRL, ई इंटू 2πRL। समीकरण नंबर क्या हो गया 4। अतः लिखेंगे पूरे गौसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, अतः कुल वैद्युत फ्लक्स। तो मान लेते हैं कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया फाई ई बराबर फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। तो फाई वन का मान जीरो है और फाई थ्री का मान भी जीरो है, और इसका मान देखिएगा इसका मान ई इंटू टू पाई आर एल है, ई इंटू टू पाई आर एल और प्लस जीरो। तो फाई ई बराबर क्या आ गया ई इंटू टू पाई आर एल। समीकरण नंबर क्या आ गए 5। हम लोग किसके नियम से निकाल रहे हैं तो इस वैद्युत फ्लक्स को गॉस के नियम से क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। तो गॉस के नियम से फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर क्या 6 हो गए। समीकरण 5 व 6 से देखा जाए तो फाई ई एक पक्ष बराबर हैं तो दूसरे पक्ष भी बराबर होंगे, तो ई इंटू टू पाई आर एल बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आपको ई ज्ञात करना था तो ये इधर चले जाएंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे टू पाई आर एल इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, 2πRL इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप जरा सा ध्यान दीजिए कि Q बटे L आपका क्या है लैम्डा के बराबर है समीकरण 1 से, तो ये Q बटे L किसको बता रहा है लैम्डा को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E बराबर लैम्डा बटे 2πR एप्सिलॉन नॉट। ये आया किसी तार के कारण जो किसी अनंत तार के कारण या अनंत आवेशित तार के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, ये आ गए। अगर हम इनको और एक रूप में लिखना चाहें तो ये भी लिखा जा सकता है 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करोगे 2λ। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε₀, 2 से गुणा किया 2 से भाग, तो इंटू क्या हो गया 2λ/r। ठीक, ये भी लिखा जा सकता है, ये आ गए आपके। इस प्रकार गॉस के जो पहला अनुप्रयोग था गॉस के नियम का वो आपका इस प्रकार है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए
हम लोग अब गॉस के दूसरे नियम के अनुप्रयोग को पढ़ लेते हैं। ये भी आपके पेपर के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, तो जो कि क्या है, अनंत विस्तार की समरूप। समरूप का मतलब होता है समान आवेशित चादर, यानी कोई एक ऐसा चादर ले लेते हैं जिसपे समान रूप से आवेश फैले हुए होते हैं के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखिएगा, मान लेते हैं माना कोई चादर है जिसका क्षेत्रफल क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और जिस पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, ठीक। और उससे इसके चादर से निकट आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है भैया, पी है। चादर से आर मीटर की दूरी पर, चादर के निकट आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है इधर, और चादर से आर निकट की दूरी पर एक बिंदु पी इधर है, जिस पे आपको क्या ज्ञात करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो बिंदु P इधर भी हो सकता है, वो बिंदु P इधर भी हो सकता है, वो बिंदु P आपके यहाँ पर भी हो सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो चादर होता है उनसे विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत ऐसे इधर बाहर की तरफ निकलती हैं, और कुछ विद्युत बल रेखाएं इधर से इधर की तरफ निकलती हैं। तो ये आपकी क्या है, विद्युत बल रेखा ई है, ठीक। ये विद्युत बल रेखा ई है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब क्या होता है, ये जो आपने एक मानते हैं, माना कोई पृष्ठ, माना पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तथा पृष्ठ, अब हम लोग देखिएगा वो मध्य ओ से इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या भैया, ओ है। ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी इधर भी हो सकता है, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी इधर भी हो सकता है। तो वो बिंदु P आप यहाँ भी मान सकते हो, वो बिंदु P यहाँ पर भी मान सकते हो। विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, आपने देखा। तो मानते हैं, माना पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, A है। माना पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर A, पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, पृष्ठ पर आवेश की मात्रा मान लेते हैं क्या है, क्यों है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक यहाँ पर भी आपका एक S1 पृष्ठ है, एक क्या है भैया S2 पृष्ठ है, एक क्या है S3 पृष्ठ है। अब एक क्या हम लोग करते हैं, एक S1 पृष्ठ में से एक छोटा सा खंड काटते हैं, एक छोटा सा S1 वाला खंड काटते हैं, तो कटे हुए खंड की दिशा क्या होगी, कटे हुए खंड के क्षेत्रफल की दिशा इधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। और इनसे जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, कल्पना कीजिएगा एक आवेश यहाँ पर रहा होगा, तो इनसे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं इसी लाइन पे मिलेगी, अर्थात यहाँ ई और डीएस1 के बीच जो थीटा है वो शून्य है। जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी होगा, एक आप एक छोटा सा खंड काट लीजिए और छोटे से कटे हुए खंड की दिशा किधर है, इधर की तरफ है, तो ये क्या हो गए, डीएस2 हो गए, और इसी पर भी विद्युत बल रेखा ई भी इसी पे मिल जाएंगे, क्योंकि जो विद्युत बल रेखा है वो इस प्रकार से निकल रही है। एक छोटा सा खंड एस3 का काटते हैं, एक छोटा सा खंड S3 का काटोगे तो कटे हुए खंड की दिशा इधर ऊपर की तरफ होगी, ठीक। और जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही वो आपकी या तो इधर की तरफ हो सकती हैं या तो इधर की तरफ हो सकती हैं। तो यहाँ देखिएगा S3, DS3 और E के बीच जो थीटा बन रहा है वो क्या चुका है, 90 हो चुका है। तो आइए हम लोग आगे लिखते हैं, क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर इस पृष्ठ से, फिर इस पृष्ठ से, तीनों से निकालने के बाद वैद्युत फ्लक्स को जोड़ देंगे और गॉस के नियम से कंपेयर कर देंगे, गॉस के नियम से तुलना कर देंगे, तो हमारे ये अनुप्रयोग जो है वो आपको निकल के चले आएंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना चादर के निकट आर मीटर की दूरी पर, निकट आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, एक बिंदु पी है, जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। चलिए, अतः सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अतः
S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकालेंगे? या तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं DS1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? D∅1 बराबर E इंटू DS1 इंटू कॉस थीटा, और जहां थीटा क्या है, जीरो है, तो थीटा यहां पर जीरो है, तो क्या हो जाएगा? D∅1 बराबर E इंटू DS1। क्यों? क्योंकि cos जीरो अंश का मान एक होता है। अतः S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स क्या मानते हैं? ∅1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ D∅1 का मान यहां से रखा जाए तो E इंटू क्या आ जाएगा? DS1 ये आ गए इंटीग्रेशन। जिनका समाकलन नहीं होता उनको बाहर कर लिए जाएंगे, तो E को बाहर कर लेंगे, साथ में क्या आ गया? DS1। और आपने पहले से मान लिया है कि DS1 बराबर क्या है? A है, तो यहाँ पर रख देंगे तो ∅1 बराबर क्या आ गया? E इंटू A। समीकरण नंबर कौन सा आ गया? 2 आ गया। इसी तरह जैसे S1 पृष्ठ है, S1 पृष्ठ आपका S2 पृष्ठ के समान है, तो लिखेंगे चूंकि S1 व S2 दोनों पृष्ठ एक समान है, दोनों पृष्ठ एक जैसे हैं, अतः S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स ∅2 बराबर E इंटू क्या आ जाएगा? A। समीकरण नंबर 3। अगर आप लोग निकालना चाहो तो जैसे ये S1 से निकाला गया वैसे S2 से भी निकाल सकते हैं। अब क्या आएगा भैया? अब हम लोग चलते हैं, किससे रह गए हैं? केवल एक पृष्ठ रह गया है, DS3 पृष्ठ से। तो लिखेंगे या S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स ठीक, होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मान लेते हैं ∅3 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DS3 कॉस थीटा, और यहाँ थीटा क्या है? 90 है, तो थीटा जब 90 रखोगे तो पूरा पद ही क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्यों? कॉस 90 अंश का मान जीरो होता है। तो समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? 4 बना लेंगे। अतः अब क्या निकालेंगे? अतः कुल वैद्युत फ्लक्स ∅E बराबर क्या हो जाएगा? ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3। ∅1 का मान समीकरण 2 से रख सकते हैं, क्या आएगा? E इंटू A आएगा। ∅2 का भी मान E इंटू A, और ∅3 का मान 0। तो EA जोड़ दिया जाएगा तो 2EA बराबर ∅E हो जाएंगे। समीकरण नंबर कौन सा आ गया? 5 आ गया। गॉस के नियम क्या कहते हैं भैया? गॉस के नियम ∅E बराबर Q/ε0। समीकरण नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। अब समीकरण 5 व 6 से तुलना करने पर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, तो अगले पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। 2E बराबर Q/ε0। E ज्ञात करना था तो E बराबर क्या हो जाएगा? Q/2A/ε0। ये 2 और A इधर चले गए, तो आपने Q/A बराबर पढ़ा है सिग्मा। क्या पढ़े हैं भैया? सिग्मा। तो E बराबर हो गए सिग्मा / 2ε0। तो
तो किसी चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस प्रकार होती है। ठीक, तो जो आपके बोर्ड में 3 नंबर के पूछे गए प्रश्न थे वो इस प्रकार है। अब एक लास्ट अनुप्रयोग बचा है, खोखले गोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके तीसरे नियम का हम लोग चलिए अध्ययन करते हैं, जो कि गॉस के नियम के तीसरे अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्या है? समरूप आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इस बार कोई गोली कोश लिया गया है जिस पे फैले हुए आवेश की मात्रा क्या है, क्यों मान लिया गया है। ठीक, अब जान लीजिएगा जरा सा कि ये हेडिंग आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। ये समझ लीजिएगा कि बोर्ड पेपर में ऐसा कोई सत्र नहीं गया होगा कि जिस सत्र में ये क्वेश्चन न पुटअप किए गए हों, और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जरा सा। हम मानते हैं कि माना कोई गोली कोश है, माना कोई गोलीय कोश है, माना कोई गोलीय कोश है, गोली कोश है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, ओस तथा फैले हुए आवेश की मात्रा क्या है भैया, क्यों है, आवेश की मात्रा क्यों है, तथा गोले के केंद्र से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है भैया, P है, जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जिस पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मानते हैं कि जो बिंदु P है वो गोले के बाहर है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि खोखले गोल के बाह्य बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे हम लोग बाह्य बिंदु भी कह सकते हैं। तो एक बिंदु P पर एक क्या करते हैं, एक छोटा सा खंड काटते हैं, एक छोटा सा पृष्ठ काटते हैं। छोटे से कटे हुए पृष्ठ की दिशा क्या मान लेते हैं, या छोटे से कटे हुए पृष्ठ की दिशा DA है, जो कि बाहर की तरफ होगा। तो हमको एक बात पता होना चाहिए कि जो गोला होता है, गोले से विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इसी रेखा पर ई भी मिलेगा, अर्थात इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0° होगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अतः DA पृष्ठ से, या लिखेंगे गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे, अतः गोले के सूक्ष्म खंड DA से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो जब आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल सूक्ष्म है तो होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए इंटू क्या हो गए, कॉस थीटा। ठीक, जहां थीटा क्या है आपका, 0 है, तो क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए, चूँकि कॉस थीटा कॉस 0° का मान 1 होता है, तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए हो गए। अतः लिखेंगे गौसियन पृष्ठ के, या लिख देंगे कि अतः पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेते हैं, इस बार वैद्युत फ्लक्स फाई मान लेते हैं। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो डी फाई का मान यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया,
ई इंटू डी ए आ जाएंगे इंटीग्रेशन। ठीक, अब क्या करते हैं, फाई ई बराबर क्या हो गए, अब जिनका समाकलन नहीं होगा उनको हम लोग बाहर कर लेंगे, तो ई बाहर आ जाएगा, डी ए आ जाएगा, और डी ए जो है क्या है, गोले का क्षेत्रफल है, तो यहाँ डी ए क्या हो जाएगा, डी ए क्या है भैया, गोले का क्षेत्रफल है, और गोले का क्षेत्रफल सब लोग जानते होंगे जो कि 4πr² के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, चलिए रखते हैं, तो फाई ई बराबर ई इंटू डी ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, 4πr². ठीक, अब क्या करते हैं, ये समीकरण नंबर हम लोग क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर क्या बना लिए, दो, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या कहा जा सकता है, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों पक्ष भी बराबर होंगे, तो ई इंटू 4πr² बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ई ज्ञात करना है तो सभी पक्ष को इधर लेके चले जाओगे, तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r², तो ये आ गए, जब कोई बिंदु P गोली कोष के बाहर होता है तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे r² होता है, यहीं आप लगाना चाहो तो ई बाह्य लगा लीजिएगा, इससे ये पता चलता रहेगा कि बिंदु P जो है वो आपका क्या है, बाह्य स्थिति में। इसी में दूसरी स्थिति आती है, यदि ये बिंदु P जो है वो गोले के पृष्ठ पर ही हो, यदि बिंदु P जो है क्या हो जाए, गोले के पृष्ठ पर ही हो, तो लिखेंगे दूसरी स्थिति क्या आएगी, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, तब क्या हो जाएगा, तब जो ये r है, स्मॉल r, वो जब गोले के पृष्ठ पे आएगी तो ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तब जो r है वो किसके बराबर हो जाएगा, R के, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो इसे समीकरण नंबर 3 बनाइएगा, तो समीकरण तीन से क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q, जहाँ R है वहाँ आप क्या लगा दोगे, कैपिटल R इसका, तो जब गोले के पृष्ठ पर आएगा, तो गोले के पृष्ठ पर यदि आवेश आपका गोले के पृष्ठ पर होगा, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 Q बटे R इसका। इसी से तीसरी स्थिति बनती है, यदि क्या कह लिया जाए, चलिए हम लोग इसको जरा सा, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, मानते हैं यदि बिंदु P जो है आपका इस बार यहाँ न हो के, इस बिंदु P यहाँ पर न होकर मान लेते हैं गोले के अंदर कहीं पर हो जाए, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, ठीक, तो जब गोले के अंदर पर स्थित होगा तो यहाँ भी हम लोग एक गौसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे, यदि बिंदु P जब गोले के अंदर स्थित होगा तो यहाँ पर भी हम लोग एक गौसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे, तो लिखेंगे, तब मानते हैं कि जो इनके बीच की दूरी जो R है वो क्या मान लेते हैं, R डैश हो जाएगा, R दूरी घट गई तो क्या हो गए भैया आपके, R डैश हो गए, तो ध्यान से समझिएगा तब क्या होगा, अतः लिखेंगे R कहाँ हो भैया, ये तीसरी स्थिति है, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब ध्यान समझिएगा, इस जब बिंदु P पर एक छोटा सा खंड काटेंगे और इस छोटे से खंड से होकर गुजरने वाला, इस छोटे से खंड का नाम क्या मानते हैं, वहाँ आपने क्या माना था, DA माना था, तो यहाँ लिखेंगे DA डैश, तो लिखेंगे गोले के अंदर, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो लिखेंगे, अतः या लिखेंगे DA डैश पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ध्यान से समझिएगा, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई मान लीजिएगा,
फाई ई डैश मानना चाहो तो मान लीजिए फाई ई डैश बराबर ई इंटू डी ए डैश कॉस थीटा, और यहाँ थीटा क्या है जीरो है, तो कॉस जीरो अंश का मान एक हो जाएगा, फाई ई डैश बराबर ई इंटू कितना आ जाएगा डी ए डैश। अब हम लिखेंगे पूरे पृष्ठ से, अतः लिखेंगे अतः पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या मानते हैं फाई ई मान लेते हैं। यहाँ जरा सा यहाँ डी फाई होना चाहिए था, तो फाई ई डैश बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई डैश, तो डी फाई ई डैश का मान यहाँ रखते हैं तो e इंटू क्या आ गए डी ए आ गए इंटीग्रेशन, e को बाहर कर लेंगे e का समाकलन नहीं होगा डी ए डैश आ गए, और डी ए डैश क्या है भैया आपका गोले का पृष्ठी गोले का क्षेत्रफल है, तो क्या होगा चार पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर के स्थान पे क्या है भैया आर डैश है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और आर डैश। तो ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ रखते हैं तो e इंटू कितना आ जाएगा फोर पाई आर डैश का स्क्वायर, ये आ गए फाई ई डैश का मान, समीकरण नंबर एक बना लीजिएगा। अब क्या करेंगे भैया गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है कि फाई ई बराबर तो फाई ई डैश बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ध्यान से जरा सा समझो भैया यहाँ जो Q है वो गोले के अंदर Q यहाँ नहीं है, बल्कि जो Q है वो गोले के बाहर फैला हुआ है, तो गोले के अंदर चूँकि लिख देंगे चूँकि गोले के अंदर आवेश जो है वो क्या है शून्य है, तो अर्थात क्या हो जाएगा फाई ई डैश बराबर यहाँ जब जीरो रखोगे तो जीरो आ गए समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक व दो से कहा जाए तो समीकरण एक व दो से देखिएगा एक पक्ष बराबर हैं तो अगले वाले पक्ष भी बराबर हो जाएंगे, e इंटू फोर पाई आर डैश स्क्वायर बराबर जीरो, तो e बराबर भी क्या हो जाएगा जीरो। अतः हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जब बिंदु P आपका गोले के अंदर आ जाता है तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है शून्य हो जाती है। क्यों शून्य होता है क्योंकि गोले के अंदर आवेश की मात्रा क्या होती है शून्य होती है, यानी आवेश की मात्रा वहाँ उपस्थित नहीं होती। आज जो है हम लोग पहले चैप्टर की जो थ्योरी क्लास है वो कंप्लीट कर लिए हैं, अब अगले क्लास में पहले चैप्टर से पूछे गए बोर्ड में पूछे गए हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।